Assalamualaikum, Namaste, Sasrikaal, Kem Chok, Kasakai, Kem Anacho, Ram Ram, guys. Welcome back to another amazing day and amazing vlog, dosto. बहुत ही दिन से हम लोग अपने ब्लॉग्स को बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखने का कोशिश कर रहे हैं. एंड मैं अब एक चीज़ ये डिसाइड करी थी कि हम लोग अच्छे ब्लॉग्स करेंगे, क्वालिटी ब्लॉग्स करेंगे. डेली ब्लॉग में सीन ऐसा हो रहा था कि इतना ज़्यादा लोग नहीं थे, जिसकी वजह से डेली ब्लॉग वॉज जस्ट एन एफर्ट टू पुट डेली ब्लॉग्स डेली. लेकिन अब मैंने सोचा कि अच्छे ब्लॉग तरीके से ब्लॉग करेंगे एंड अलग तरीके का कॉन्टेंट लाएंगे. कॉन्टेंट ऑलरेडी शूट किया था मैंने, जाके मुंबई गए थे, ज़बरदस्त तरीके से शूट किया था. वो वाला अभी एडिट हो रहा है, एक ज़बरदस्त एडिटर से एडिट करवा रहा हूँ, धीरज भाई के थ्रू. सो अपना दिन शुरू हो चुका है. तुम्हारा भाई फ्रेश जॉट तरीके से उठ चुका है, पूरा रेडी हो गए, रेडी तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ फ्रेश हो चुका हूँ. चलते हैं नीचे, दिन स्टार्ट करते हैं. नमन भाई को देख रहे हो? चलते हैं गाइस नीचे. हम लोग सुबह डोसा वड़ा पाव ये सब इडली विडली खाने गए थे. वहाँ पे एक क्यूट सी बिल्ली थी. वो एक बार मुंग करने पे आ गई थी. तुम्हें मुंग करते हैं बुलाते आते नहीं हो, तुम समझ रहे हो? तुम बुलाना बुलाएंगे तो आना चाहिए. ओके, ये तुम्हारा, ये तुम्हारी मम्मी बोलती हैं कि जो है वैसी वो सिटी. कौन सी सिटी है भाई, कौन सी सिटी? हाँ, अब किसी दिन पटी की मेरी, कोई पीछे आ रहा होगा मारने पिटाई करने और हमें अपनी डॉगी से तुमसे प्रोटेक्शन चाहिए होगी, तो बैठ के प्रैक्टिस करेगा क्या उस सीटी का? बेवकूफ, आधी का जुगाड़ देख ले दोस्तों. चेयर नहीं मिल रहा है. चेयर वो है सर, इतना भी देखने की आपके अंदर. मैंने कहा देखा, मैंने वहाँ देखा और यहाँ पे देखा है सर. वो रही सर, ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का आलसी ब्रेन. 20 साल का हो गया क्या? ऐसे लोगों का आलसी ब्रेन जो है ज्यादा तेज चलता है, समझ रहे हो? गाइस एक रील शूट करनी थी, उसमें इस लड़की ने इतने रीटेक दिलवाए हैं ना, कुछ नहीं करना था उसमें, ए टू जेड सिर्फ मुझे बोलना था. इसका एक पार्ट था, एक पार्ट सिर्फ एक्सप्रेशन देना था. वो एक्सप्रेशन देने के लिए हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर से चालू करा, वहाँ लाइट अच्छी नहीं थी. फिर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे ये अच्छी नहीं लग रही थी. फिर हम लोग ऊपर गए क्रिएटर जोन में, वहाँ पे लाइट ऑन करके पूरा सब कुछ करके जब किया तब यही अच्छा नहीं दे रही थी. जीना हराम कर दिया एक, मतलब 0/0 चीज के लिए. वेलकम बैक टू दोस्तों, कृतिका हमारे लिए बर्थडे के जो लाई, मतलब उन्होंने प्लान किया था वो आज जाके डिलीवर हुआ है. एंड कृतिका प्लेज इज वेरी मैनी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड आदि इज ऑल्सो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे जब गिफ्ट मिलता है, मुझे तो पता ही नहीं वो डब्बे में क्या है. तो कृतिका प्लेज आए. तो मुझे तो ऑब्वियसली पता है शू है, इसके अंदर मिठाई तो होगी नहीं. लेकिन क्या पता कोई, मतलब इसके अंदर अगर कृतिका ने हैवी दिमाग लगाया हो जो कि लगाएंगे नहीं, होना चाहिए. कैन यू गेस द कलर ऑफ द शू? शू तो है ही, मैंने बहुत बड़ा हिंट पहना हुआ है. ब्लैक, ग्रीन, ग्रीन कलर का शू चाहिए था. अच्छा, वो जो आपके ब्लॉग में बोल रही थी कि जूता बजा पार्टी थी एंड आपने डिमांड करी थी कि मुझे ये वाला चाहिए. सच्ची में मैंने देख रखा है. बात क्या दिखाएं, ये डब्बा आपने बैठ के खा लिया, वो थोड़ा सा वो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो गई. अच्छा अच्छा, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कुत्ते का बैठ गई गलती से. हां मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि अभी आया है वो, क्योंकि ये ऐसे कुछ तो इसका है. लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल. ब्रुकलिन है यार ये तो. Yes. क्या बात है यार, काफी अलग कलर है, मतलब मैं भी पहन सकती हूँ उसको. इसके है? तुम्हारे दो पैर आ जाएंगे भाई, जो जूता पहने उसके ऊपर. बहुत बाल ना खराब करें इतना. सॉरी. हाँ तो यार कभी कभी तो बर्थडे आता है ना, कभी कभी एक बार आता है, कभी 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 नहीं, हर साल एक बार. अभी यही सब उम्र है सब गिफ्ट देने की, फिर आगे जाके तो स्मेल ब्रो कुछ होता है इससे. हाँ
मुझे पता नहीं है क्या सूंघना चाहिए, लेकिन स्मेल से ये पता चलता है कि रियल एंड फेक है कि नहीं। इससे पता चलता है, इससे, इसके टेक्सचर से, इसके ओह क्या स्मेल आ रहा है बे, वो स्कूल में रबर नहीं होता है वैसा स्मेल आ रहा है। लेकिन भाई बहुत महंगा है यार ये शू, तो मैं नहीं करना चाहिए था यार इतना। रिटर्न कर दो, रिटर्न नहीं करता। हाँ ये भी सही बात है। थैंक यू सो मच गाइस। ये इसका शू का प्राइस बता सकता हूँ मैं कितना है? गिफ्ट हैज नो प्राइस, इट्स प्राइसलेस। इट्स प्राइसलेस बट ऑल इसका दाम बताओ। बहुत सेक्सी, बहुत सेक्सी है ना। और उसमें और कुछ भी है? हां इसमें ब्लू येलो एंड नियॉन ग्रीन, नियॉन ग्रीन था शायद, नियॉन ग्रीन। एक एक 24 50 ये 1,60,000। अभी तो एक घड़ी दी थी मैंने। हाँ ओए तेरे को नहीं दी थी मैंने घड़ी सैमसंग की? मेरी घड़ी सुनो, मेरी घड़ी यूज कर रहा था उसमें आईडी, जब पता चली मेरी है बोलता ये तेरी घड़ी थी। इसका घड़ी स्मार्टवॉच यूज कर रहा था मेरी, इसकी घड़ी घूम गई थी तो मैंने इसको दे दी वापस। क्या मैंने नहीं दिया? 2500 जूते दिए, 2 लाख से कम का अगर गिफ्ट आया आप बाहर सेट कर दिया लड़की एक बैग हो जाता फिर ये सब बार नहीं बार एक सेट कर दिया है लेवल। भाई मैंने भी दिया था भाई, मैंने वहां से जे वॉकिंग से जाके कुछ 1 लाख रुपए का तो ड्रेस दिया था तुम्हें। 1 लाख का ड्रेस, जे वॉकिंग से 50,000-60,000 का तो उस दिन का शॉपिंग याद है? 40,000 देखा लड़की पूरी इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं। पिंक कलर का जूता दिया था, कितने का था? 20,000। देख रहे हो प्राइस हैज नो प्राइस, प्राइस हैज नो गिफ्ट हैज नो। हमें टैग में कटाना ये वाला कट मत देना भाई। हां इसका लुक ये ओमेगा ने काट दिया था पता है? सही में मुझे लगता है कि शायद मैंने एक बार हग दिया है क्योंकि मैंने तो बेसिकली मैंने टैग्स कलेक्ट करते हैं लोग। अब जैसे मेरे पास ऑरेंज है एडिटर पूरा नया नया, तो तुम अगर जैसे तुम कुछ ऐसा आउटफिट पहन रहे हो जो थोड़ा सा ऑरेंज जिसमें टच जा रहा है तो ये टैग लेसेस से थोड़ा सा निकल के मेरा वाला टैग डालो ऑरेंज के साथ सेक्सी। Nice. Nice. मेरा बर्थडे भी यार अगले साल, मेरे पैर खाली खाली। शू साइज क्या है आदि? मैं गोल्डी भाई को बता दूँ, यूके से गोल्डी भाई थक दोनों को, मॉडल को बता दूँ थक और मेरा सेम। अच्छा ओके, अगर कोई थक को पसंद ना आए तो श्योर मैन व्हाई नॉट। ये एक टी शर्ट मैंने कुछ दिन पहले मंगवाई थी, मुझे लगता है कि अब ये इसके साथ जानी चाहिए। एकदम हाँ भाई, ये मेरा एक सेट कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया है ना, लव इट। यस लव इट, थैंक यू, आई लव द शू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। चलो बाय गाइस, फॉर द फर्स्ट एवर टाइम हमारे साथ माइनक्राफ्ट प्रो मिस्टर पॉट हेड द पबजी लेजेंड। तो भाई सीजन 1, 2, 3 के हैं आप भाई, पबजी लेजेंड साथ दूसरा देने वाला नॉकेड। हाँ मॉडल की सारी हाईलाइट में सबसे पहले नॉक होने वाले पॉटेड, तभी तुम्हारा नाम डला था नॉकेड। नॉकेड तो इसने बदनाम कर दिया था यार, बट भाई उस टाइम का एंट्री फ्रैग है। हाँ क्या? हाँ तो पे तो नॉक होना बनता है भाई, एक दो फ्रैग निकाल के नॉक हो गया भाई, ये लोग बाकी
छोड़ दिया था हम लोगों ने। कैसा आपको लग रहा है, कैसा आपको यहाँ के मतलब लाइफ स्टाइल कैसी लग रही है आपको यहाँ का? थकेला थकेला तो नहीं बोलूंगा यार, सुबह उठना बिचारेगा पहले ही रात, जैसे कि आपको पता है जॉर्जियापुर रात को कितना ठंडा होता है, बिचारेगा पहले ही रात बिचारे को किसी ने ब्लैंकेट नहीं दिया तो इसका अगर तुम पोचिंग की मैं आता ना पोटेट, तुम पोचिंग की मैं आते, तुमको ऐसे हम लोग हॉस्पिटैलिटी देते ना कि एसी नहीं ऑन करते, एसी ऑन नहीं करते, ब्लैंकेट बाहर ही पड़ा हुआ था, किसी ने दिया नहीं, सोचो इधर बाहर पूल टेबल तो तुमने मांगा क्यों नहीं, नहीं बुलाया ही तो तुमने मांगा क्यों नहीं, मेहमान हो तुम तो, हमको सपने में थोड़ी आता पॉटेड बेचारा बिना ब्लैंकेट के सोया पूरा वो तो मैं मॉर्निंग में आया ऐसे सुन सुनने नहीं ऐसे सोया था हल्के हाथ से आवाज आई थी। बहुत ही ट्रेजिक एक्सपीरियंस हो चुका है अभी मामा के साथ, बहुत ही दुख दर्द में है ना, वो देखो तुम पूरा गेमिंग हाउस का माहौल तो तुम दोनों वो देखो विंडमिल जोक सोसाइड गाइस, मामा की हालत बहुत खराब है जैसे कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, मामा ने गलत जगह फिंगर रख दिया, ये देखो गाइस मामा का हाथ चिपक गया है, हिल रहा है, कांप रहा है, आगे से दिखा, ये देखो गाइस आगे से स्वेल वेल हो गया, एकदम रेड हो गया, ऐसा लग रहा है आपकी लिपस्टिक लगी हुई है बट नहीं, समथिंग वेरी सीरियस गाइस, लाल है लाल है लाल है पूरा, कभी बैठ नहीं पाता भाई, नजर लग गई है, चलो फिर नजर थोड़े लगी अपडेट देते रहेंगे, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ऊपर जाके बताना पड़ेगा, ये वाला स्टूल रख के मैं ऐसे जा रहा था और ऐसे आगे बढ़ते हुए इसको ऐसे जो है धीरे धीरे बंद करते हुए जा रहा था, क्यों ऐसा क्यों करना था आपको, ताकि भड़ से बंद ना हो, होता है ना इंसान को, मेरे को नहीं अच्छा लगता है दरवाजे को वो भड़ भड़ सुनना, तो आराम से बंद करने के लिए इसको ऐसे करते करते जा रहा था मैं, और लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे इस जगह पे मेरी ये ऐसे करते करते ये उंगली फंस गई और मैं आगे बढ़ गया और ये दरवाजा पूरा यहाँ तक बंद हो गया, अब मैं एक सेकंड को मैंने कोशिश किया कि मैं खींच के जो है इसको निकाल लूँ, बहुत तेज दर्द हुआ एकदम से बंद हो गया ना, फिर मुझे वापस आके इसको धक्का देके फिर अपना हाथ बाहर निकालना पूरा, वाट लग गया, वाट लग गया दोस्तों, बस गाइस ये लगाने के लिए जिस पे हम लोग बैठे इतना सा, बस अपने क्यूट देवियों के लिए, ये क्यों है ये मेरा यहाँ पे था ना, था ऑप्शन था, आप एक वो पेंट खोलती पेंट पे स्ट्रीम स्टार्टिंग जो है लिखती और वो स्क्रीन में करना पड़ता है ना, यही बात है करना पड़ता है, अच्छा रहता है भाई, यूज करो तुझे ऐसे तो जा रहा है ऐसे ऐसे, अरे यार मेरे को कोई दूसरा बनवाना है यार, कोई बताना मेरे को कि वो पेंट से आपके लिए बनवा, शॉट भाई मेरी जो उंगली में ये जो लग गया है, हाउ सैड आर यू, बहुत सारी जिंदगी में मेरे को बस तेरी सी उंगली की फिक्र थी और वही आज बिगड़ गई है, हमने तुझे हल्का सा कट मारा है, मैंने कट थोड़ी मारा, कट लगा है मेरे को, तुम्हारा सबसे पेनफुल चोट क्या रही है, कब हुई है पेनफुल चोट इसका, जब फुटबॉल में टूटा, दिल के अलावा अगली जो जिसको कुछ नहीं, वे हाथ हथ कट छुट गया है सही जगह पे, आज अगर कुछ होता है जा, एक हाथ अपाहिज हो जाता मैं, उंगलियां गायब हो जाती तो वो होता मैं, मेरा एक बार पता है फुटबॉल में क्या हुआ था, मेरे को एक बंदे ने टैकल मार दिया था तो मेरी जबान जो मेरे दोनों ऊपर नीचे के दांत के बीच में आ गई थी, तो पूरी जबान बीच में से कट गई थी, लटक गई थी, हाँ, लेकिन जबान इतनी वो सॉफ्ट मसल होती है ना, वो ओवरनाइट जुड़ गई थी, ऐसा देखा जाएगा सीरियस इंजरी में ये है, अगर दिख रहा आँख इस चीज दिख रही है, अच्छा दिख रही है, हाँ तो ये वैसे ऐसे आईलिड ऐसे कट के मेरा हाथ में आ गया था, ऐसे लटका हुआ, तो मैं सबसे पहले सेल्फी खींच के देखा था कि भाई आँख सही है कि नहीं है, क्योंकि मेरी आँख फूल गई थी उस टाइम में, फिर उसका मैं क्या गया ऐसे पकड़ के हॉस्पिटल गया था, खेलते में हाँ नहीं, मैं अपने दोस्त के पीछे था बाइक पे और भाई सामने से साइकिल वाला गया, तो भाई ने ब्रेक मार दी, साइकिल वाला बच गया, जो गाड़ी चला वो बच गया, मैं पीछे था, मैं आगे उड़ गया, सफाई से गाड़ी समझ लो, देख लो सीधी लाइन है ना, हाँ, अरे तक कैसे हुआ ये
तुम सोचो बाइक का साइलेंसर आगे खड़ी बाइक है गंदा, जो सिंगल पे, मैं सिर्फ साइलेंसर को टच करके निकला। अरे तो गरम था ना? हाँ गरम गरम था, फीलिंग हुआ मेरे को, गरम हो गया। मुझे खाली ये था कि मैं आग खोल नहीं रहा डर के, मेरे को भाई क्या पता आग खोल दे आग के बाहर आ जाएगी। सबसे पहले मैं ऐसा रखा हूँ, फोन निकाला हूँ और चेक किया हूँ कि क्या सीन है, देख रहा हूँ आई बोल दिख रहा हूँ और ये ऐसे लटक गया। फिर मैंने हिम्मत रख के इसको यही ऐसा हो गया था, ठीक है, ऊपर लगा के ऐसे किया और फिर गया पकड़ के, आग दिखाई दे रहा है। फिर बोला भाई सही हूँ, एम्बुलेंस बुला, मतलब सही है, बस मैं ऐसा होकर गया पूरा। और इस दिन का मैं दो दिन तक घर नहीं गया था, तो मैं घर पे घर वालों कैश थे, दूसरे घर पे सो गया था। फिर जब एम्बुलेंस वो ऐसा पट्टा वट्टा बांध के ठीक करके, किस्मत डॉक्टर ने बोला कि भाई अच्छा हुआ तुम्हारा यहाँ मतलब पूरा बाहर नहीं आया, नहीं तो मैं थोड़ा सा बीप होता। हाँ नहीं बीप नहीं, इतना पार्ट बच गया था, वो इतना पार्ट बच गया था, अगर वो पूरा आया तो मेरा आईलिड अलग हो जाता, मैं बिना आईलिड कर रहता ऐसा ऐसा कुछ आपसे। ये मैं दर्द का लेवल समझ गया, जब बहुत जोरदार लगी है मतलब गर्म हो रहा है, जब थोड़ी सी लगी चूते ऐसी और चूते यहाँ पे जब ये चमड़ी निकल जाएगी गर्म बहुत होती है, बट सही में कुछ लग जाओ ना तब समझ तब कुछ फील नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, गरम होगा। हाँ गरम होगा, गरम मेरे को भी आज से गरम ही फील हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सुन ली है सो गई थी, उसको 2:30 बजे करीब निकलना है एयरपोर्ट के लिए, उसकी फ्लाइट सुबह 5:45 की है, अभी 1 बजे है, तो अभी उसके उठने का टाइम है। उसको ने कहा था वो खुद उठ जाएगी, खाना वाना खा के निकल जाएगी, लेकिन वो उठी नहीं अभी तक, तो अब हम जा रहे हैं उसको उठाने के लिए, लेकिन क्योंकि अब हम जा रहे हैं उठाने के लिए तो सीधी सिंपल तरीके से तो उठाएंगे। फ्लाइट है पता है, उठो उठ गई, उठो उठ गई, जल्दी उठो जल्दी उठे, क्या टाइम 1 बज गया भाई। आपको मेरी उठाने वाली टेक्निक से मजा आया? क्या बात है यार गाइस, सी ऑफ करने जा रहे हैं दो छोटे छोटे क्यूटीज को रात के 3 बजे तक झेलना पड़ रहा है। 3 नहीं मैंने बोला 3 छोटे यार क्यूटीज में आप हैं। अच्छा क्या बात है यार, क्या बात है, खोले बचपन में बहुत छोटा था, तुम अभी भी छोटे ही हो बेटे। बाय 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 वापस मत आना, बाय बाय वापस मत आना, बाय बाय वापस मत आना, बाय बाय। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, बिकॉज हम लोग गुड किड्स हैं, सो जाते हैं रात के 3 बजते सो जाते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था, और वो वीडियो अपन ने जो शूट करी थी मुंबई जाके, वो कल तक एडिट होकर आएगी, जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब वो फर्स्ट ड्राफ्ट एडिट होकर आएगा, उसमें फिर मैं कुछ चेंजेस बताऊंगा, फिर वो उसमें अगर कोई चेंजेस रहे तो वो और एडिट होकर फिर से आएगी, तब मैं डालूंगा परफेक्टली। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ हो, हैं धीरज को देख लो ग्राइंड चल रही है, BGMS में नहीं गए खेल ले। दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट तैयार हूँ कृतिका का भाई, मेरे को मज़ा आ गया भाई, वो शू मेरे बहुत ज़्यादा पसंद था, एक और शू पसंद है मेरे को जो मेरी अभी तक लिस्ट में, वो अपन खुद खरीदेंगे जब आएगा, थोड़ा सा महंगा सा है वो मेरे लिए, लेकिन लेट्स सी कब खरीदने का मौका आता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि ये ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, एंड बस इसी तरीके से प्यार देते रहना। अगली आने वाली जो वीडियो है जो शूट करी मुंबई में, उसको बिल्कुल एक्साइटेड रहना यार, बिल्कुल प्यार देना है भर के, और तुम लोग जब प्यार देते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार इस तरीके की चीज़ें करने का, तो बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को अब उसी वीडियो में सीधा, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, सी या बहुत सारा प्यार।